गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप ऑल पीपल आर वेरी वेल। टुडे टॉपिक इज व्हाइट ओनियन, यानी सफेद प्याज। हाल के ही जुलाई महीने 2022 में महाराष्ट्र के अलीबाग में स्थित व्हाइट प्याज के किसानों को जीआई टैग मिला हुआ है। सफेद प्याज केवल महाराष्ट्र का जो इलाका है, अलीबाग वाले रीजन में ही व्हाइट प्याज मिलता है, जो ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा ही व्हाइट प्याज का उत्पादन होता है। पारंपरिक तरीके से जो व्हाइट प्याज का उत्पादन होता है वह केवल और केवल महाराष्ट्र के अलीबाग इलाके में ही होता है। असल में जो नॉर्मल प्याज होता है, जो आमतौर पर हम सब यूज करते हैं, उस प्याज में और व्हाइट प्याज में बहुत डिफरेंट है। व्हाइट प्याज को जब जीआई टैग मिला तो वहां के किसानों का खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जीआई टैग के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही यूनिक है। आइए अब हम जानते हैं कि आखिर इसको कैसे पारंपरिक तरीके से इसके जो सीड है उसका उत्पादन किया जाता है, जो ट्रेडिशनली इसका बीज कैसे बनाया जाता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि किसी प्रधान क्षेत्र के जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि प्याज कैसे होता है। पहले हम क्या समझते हैं कि प्याज जो होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, किसी भी फसल को उगाने के लिए उसका हम सीड लेते हैं। तो प्याज के जब सीड को हम लेते हैं तो उसका जब पहले हम उसका रोपाई करते हैं, जैसे धान के बीज का हम उसका उत्पादन करते हैं, उसके बाद उसको उखाड़ कर किसी और क्षेत्र में लगाते हैं, उसी तरह व्हाइट ओनियन के जो बीज है उसको हम एक पार्टिकुलर क्षेत्र में उसका सीड का हम उत्पादन किए, उसके बाद इस बीज को थोड़ा ग्रो हुआ तो इसको उखाड़ कर हम किसी बड़े से फ्लैट में इसको लगाते हैं। यह नॉर्मल प्याज हम लगा दिए, उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें से जो डोमिनेंट प्याज है, जिसको हम यह समझ रहे हैं कि इस प्याज को रखना किसके लिए, बीज के लिए, बीज उत्पादन के लिए रखना जरूरी है, तो हम जो छोटे छोटे प्याज है उसको हम तो बेच देते हैं, खा पी जाते हैं, परंतु जो डोमिनेंट प्याज है उसको हम छोड़ देते हैं किसके लिए, फ्लावर के लिए, उसको हम फ्लावर के लिए छोड़ देते हैं। इस फ्लावर को हम तब तक सुरक्षित रखते हैं जब तक कि यह सीड, यह जो पौधा है वह डोमिनेंट होकर एक फ्लावर का उत्पादन कर दे। यह फ्लावर उत्पन्न हुआ, इस फ्लावर में बीज आ गए और बाद में इस बीज को पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से इसका हम क्या करते हैं, इसको बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं, उस फ्लावर को हम काट कर उसको पीट कर एकत्रित करते हैं और ट्रेडिशनल तरीके से इसको हम संरक्षित करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हम इसको संरक्षित करते हैं और फिर बाद में हम इस प्याज का उत्पादन करते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से इस प्याज का उत्पादन होने के कारण ही इसे जीआई टैग मिला हुआ है, और वो भी कहां के प्याज को, तो महाराष्ट्र के जो अलीबाग में जो सफेद प्याज होता है उसे जीआई टैग मिला हुआ है। अब आइए हम किसानों का मत जानते हैं कि आखिर यह बाकी प्याजों से कैसे डिफरेंट है। तो किसानों का यह कहना है कि इस प्याज का जो फ्लेवर है वह बाकी प्याजों से अलग है, इसका जो साइज है वो नॉर्मल प्याज, जो पिंक वाला प्याज होता है, उससे अलग है, और साथ में भी यह भी कहते हैं कि यह प्याज केवल भारतवर्ष के जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, ज्योग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ रीजन के कारण ही यह जो प्याज है वह कैसा हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। आइए अब हम जीआई टैग के बारे में जानते हैं कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग का फुल फॉर्म, जो पूरा नाम है, वह जो जीआई टैग का फुल फॉर्म है वह
जीआई टैग का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो जीआई टैग है वह रजिस्टर कलेक्टिव सर्टिफिकेशन मार्क है। इसे जनरली प्रोटेक्टेड फॉर रिन्यूअल 10 ईयर पीरियड। इसे जनरली प्रोटेक्टेड फॉर रिन्यूअल 10 ईयर्स का ही होता है। यानी अगर जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला उस प्रोडक्ट का रिन्यू करने का टाइम 10 ईयर्स होता है। मानिए इस ओनियन को 10 साल के लिए क्या मिल गया? जीआई टैग मिल गया। तो फिर 10 साल के बाद फिर से जो जीआई टैग के ऑफिसर हैं, जो जीआई टैग के ऑफिसर हैं, वह जाते हैं और फिर जो जो कंडीशन जीआई टैग देने के लिए जिस प्रोडक्ट में होता है उसे फिर से रिन्यू करते हैं। और फिर से उस जांच में अगर उस प्रोडक्ट का वही मात्रा रहा तो उसे फिर से 10 साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। इससे हम जीआई टैग को समझ सकते हैं। जीआई टैग ऑफ गुड्स को हम इस प्रकार समझते हैं, जो जीआई टैग गुड्स होते हैं वह रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 गवर्न जीआई टैग इन इंडिया के तहत मिला हुआ है। सो टुडे क्लास इज स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच ऑल द पीपल।